वाटर बोर्ड असदुल्ला खान ने कहा है कि वाटर बोर्ड के मुलाजमीन शहरियों की खिदमत के जज्बे से सरशार रात दिन मेहनत और लगन से अपने फराइज ऐसन तरीके से सरंजाम दे रहे हैं। वाटर बोर्ड मुलाजमीन को हर माह वक्त पर बाकायदगी से तनख्वाह और दीगर अलाउंसेस की फराहमी भी पाबंदी से जारी है। उन्होंने कहा कि वाटर बोर्ड एक शहरी खिदमती इदारा है जो हुकूमत सिंध की रहनुमाई और तआवुन से रोज बरोज बेहतरी की जानिब गामजन है। इस मौके पर MD वाटर बोर्ड ने ऐलान किया कि आइंदा मुलाजमीन की तनख्वाह से किसी भी फंड्स की कटौती मुलाजमीन को फंड्स की रकम की मुकम्मल अदायगी के बाद ही की जाएगी। इस मौके पर उन्होंने मजदूर रहनुमाओं की जानिब से पेश करदा वाटर बोर्ड मुलाजमीन के मुख्तलिफ मसाइल के फौरी हल के लिए मौके पर मौजूद अफसरान को जरूरी हिदायत जारी की। MD वाटर बोर्ड असदुल्ला खान ने कहा कि शहर को इसकी तलब से सिर्फ 55% पानी दस्तियाब है। तलब से कहीं कम दस्तियाब पानी की मुल्क के सबसे बड़े शहर और मौशी हब कराची के शहरियों में मुनसिफाना तकसीम और नकासी आब की सहूलत की 24 घंटे फराहमी वाटर बोर्ड के इंजीनियर्स और अफसरान की अनथक मेहनत की बदौलत ही मुमकिन है। वाटर बोर्ड के माहिर इंजीनियर्स और अफसरान महदूद वसाइल और लामहदूद मसाइल के बावजूद शहर का निजाम फराहमी और नकासी आब साल के 12 महीने हर मौसम और हर तरह की सूरत हाल में बहाल रखते हैं। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने वाटर बोर्ड इंजीनियर्स एंड ऑफिसर्स एसोसिएशन के सदर नदीम किरमानी की क्यादत में मिलने वाले इंजीनियर्स और अफसरान के एक वफ्द के साथ मुनक्किदा इजलास से खिताब करते हुए किया। इस मौके पर एसोसिएशन के रहनुमाओं ने असदुल्ला खान को MD वाटर बोर्ड का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी और गुलदस्ते पेश किए। उन्होंने कहा कि इंजीनियर्स एंड ऑफिसर्स एसोसिएशन ने हमेशा वाटर बोर्ड इंतजामिया से भरपूर तआवुन किया है और हर तरह के हालात में शहर की खिदमत इबादत समझकर अदा की है। यूनियंस के रहनुमाओं ने असदुल्ला खान को MD वाटर बोर्ड का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद पेश की, गुलदस्ते दिए और फूलों के हार पहनाए।